नमस्कार सारा ओडिशा को स्वागत करुछि मितिस्मृति वर्तमान आसीबा संपूर्ण खबर को कांग्रेस रु विदा हबा परे विष उगाळी छंते श्रीकांत ओ कृष्णचंद्र श्रीकांत को टार्गेट रे राहुल निरंजन ओ सौम्य थिबा बेले सगरिया को टार्गेट रे निरंजन सौम्य एवं नरसिंह एआईसीसी सभापति राहुल गांधी को भी छाड़ी नहाते श्रीकांत दलित किंबा महिला को मुख्यमंत्री बेकारी ओ संरक्षण उपरे मत रखिबा भूल थिला कि बोली प्रश्न करिछंते श्रीकांत राहुल भूल बाटरे परिचालित होउछंते सारा राज्य बुलीबि एवं जनमत सृष्टि करिबि कहि साणित ढंगरे प्रतिवाद करिछंते श्रीकांत सेहिपरि निरंजन पटनायक के नियमित लांच प्रदानकारी बोली कहिछंते श्रीकांत सेपटे सगरिया कहिछंते विधानसभा रे मुख्यमंत्री को गोड़ धरिबाकु पर्वताइबा सह पुओ को बीजेडी टिकट देबा चक्कर रे थिले नरसिंह आ सौम्य निरंजन कांग्रेस को सफा करिबाकु लागि पड़िथिबा सगरिया कहिछंते श्रीकांत कृष्ण को अभियोग को खंडन करिछि कांग्रेस श्रीकांत को चरित्र कौन एवं से किभली चक्रांत करती ताहा राज्यवासियों को जना बोली कहिछंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता विभू तराई सेहिपरी निरंजन कहिछंती लांच प्रदान अभियोग को सुप्रीम कोर्ट खारज कर देछंदे तेणु श्रीकांत को अभियोग मूल्यहीन ओडिशा गरीब गुरुवा लोकों को विश्वासघातकता करिबा कांग्रेस रो इतिहास रे केबे रतला प्रथम थर पई राहुल गांधी भली जने व्यक्ति जे कांग्रेस रो दायित्व नै चंदी से ए स्तर को चली आसले जहां को कोर्ट रे ओडिशा हाई कोर्ट लांच देइथिबार एफिडेविट कला परे तांको कहिथले जे तमे जने हैबिचुअल ड्राइव गिवर से भली व्यक्ति गोपबंधु दास परे एपरी एक व्यक्ति ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी दायित्व रहिले ये कौथिर गणतंत्र पादरे पड़ी निजर हक मगा जाए एवं ये कांग्रेस रो परिपंथी विचारधारा तांकु तुरंत कांग्रेस दल रु बहिष्कार करा जाऊ अंतत लीडर अपोजिशन रु बहिष्कार करा जाऊ कारण ये अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मानसिक लोक एआईसी को लिखिथिली यदि ये दल विरोधी काम तो यही काम मु बार बार करी जदि काली सकाळ से पूर्वतन केन्द्रमंत्री हेई थांती ताहले से राहुल गांधी सोनिया गांधी एमानंको सहयोग रे हेई थिले से कथा को पासरी जीवा ए कथा गोटे लोक जे ए कथा को पासरी जाए ताटु कृतज्ञ आउ केइ नांती मोर गोटे मैनेजर से जने अफसर को लांच ऑफिसर लांच मगेरो लांच देइथला सेतबे से अफसर टी तळ गोटे दंडित होइथला ये लिखिदेले जेहेतु से मो मैनेजर मुझे अभ्यासगत लाँच दाता सुप्रीम कोर्ट गलु सुप्रीम कोर्ट तो खारज करदेला पुराना स्टोरी कोड़े पचीस तीस वर्ष तलर कथा केते दिन से बजेबी श्रीकांत और कृष्ण सगरिया बहिष्कार पर खणि दुर्नीति को नहीं राज्य राजनीति में बातिपाला दलर विदा होगापर खणि प्रसंग उठाई बर्षि श्रीकांत टार्गेट कर निरंजन राहुल और नवीन को ता सहित परोक्षरे समय रंजन को भी मारी तीर खड़े माफिया निकट में राहुल आत्मसमर्पण करीकांत राहुल और नवीन मध्य महागठबंधन होता अभियोग कर श्रीकांत बीजेपी कही खणि माफिया जरिया बीजेडी कांग्रेस मध्य डील हो बा राहुल गांधी एवं नवीन पटनायक भितर एवं खणी माफिया मानक सांगरे से निजक सामिल कले एवं मुझे अभियोग आणुची से निजक मुंड नुआईले पाखरे संपूर्ण सरेंडर कले खणी मालिक परिवार अन्य जने टाणुआ प्रतिनिधि एबे बीजेडी दलर सांसद कांग्रेस रो खणी मालिक परिवार व्यावसायिक स्वार्थर सुरक्षा पाई बीजेडी कांग्रेस रो मिलित योजनार अंग भाव श्रीकांत जेना को कांग्रेस रु बहिष्कार करिबा एहा तांकर स्वार्थ स्पष्ट हो जाइछ श्रीकांत का अभियोग रो जवाब रखिछंति निरंजन बीजेडी सांसद सौम्य पटनायक कहिछंति समालोचना पूर्वरु निज को अनुशीलन करिबा दरकार सेपटे सांसद तथा मुखपात्र प्रताप देव पुणी थरे समधुरता कथा दोहराइछंति ता सहित तो केन्द्रमंत्री थिबा बेले श्रीकांत काहीं के चुप थिले बोली पालटा प्रश्न करिछंति कांग्रेस रे नथिला बेले मध्य बहु कथा असेंबली रे बाहरे कांग्रेस विरुद्ध रे कहिछंति इंदिरा गांधी को विरुद्ध रे कहिछंति किन जाउ तकर सद्बुद्धि हला पुनी कांग्रेस रे मिस थिले पुनी
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ କହିଦେଲେ ହବ ନା ମୁଁ କହିଦେଲେ ହବ? ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଥିଲାବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ କେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ, ମୋଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଥିଲା କି ନଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧିବ ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଆଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କି ଏମିତି ନୁହଁ ତ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିନେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ଦିନେ ତ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମୂଳକ ଏବଂ ଅଯୁକ୍ତିକର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସହ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବିଜେପି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦବ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନୀତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାଦବ। ଏହା ସହିତ ବିରୋଧୀମାନେ ଭୟ କାରଣରୁ ମହାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। पूरे तरीके से एकजुट होकर के पार्टी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रही है और वर्तमान सरकार को हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार उड़ीसा में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उड़ीसा की जनता समर्थन दे रही है। ये प्रकृति में भारतीय जनता पार्टी रो जो अभिवृद्धि ता अभिवृद्धि समुदाय माड़क तेणु भारतीय जनता पार्टी रो प्रकृति में दुब कणीबार ना ସେ 120 ଜିତନ୍ତୁ ବା 160 ଜିତନ୍ତୁ ବା 200 ଜିତନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେତା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ନେତା କରୁଛୁ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରି ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ କେତେ ଆସନ ପାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ବୟାନବାଜି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମିଶନ 120+କୁ ଦଳ ସାକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଆସନରୁ ଦଳ ସବୁ ଆସନ ହାସଲ କରିବ। ଏହାର ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଏହା କେବଳ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା 120+। 120+ କହିଲେ 120 ହୋଇପାରେ, 121 ହୋଇପାରେ, 122 ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ 120 ହୁଏତ 119 ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ 120। 120 ପାଇଁ କ'ଣ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ତୁହାକୁ ତୁହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣି ଯେଉଁଠି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବାଙ୍କି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ବିରାଟ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ବାଙ୍କି କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏବଂ ଜବାବ ମାଗୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗ ଯୁବକ ସଂଘର ଆବାହକ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ବାଙ୍କି ଦମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କୁମାର ମତଗଜ ସିଂ, ବେଲଗାଛିଆ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭୂପତି ପାଣି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନରେ ବାଙ୍କିରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣର ଆଭାସ ଦେଉଛୁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ାର ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ହଟାଯିବ ଆଉ ବାଙ୍କି ଲୋକ ସୁଶାସନ ପାଇବେ, ଏହା ହେଉଛି ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଜେପି, ଆଜି ସାରା ବାଙ୍କି ଦେଖିଲା
जे बीजेपी ताकत केदी आगामी दिन में तुषारकांत चक्रवर्ती नेतृत्व ने बांकी भाग्याकाश से ध्रुवतारा उदय हम। राज्य सरकार को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समालोचनार जवाब रखी बीजेडी दलर मुखपात्र प्रसन्न आचार्य कहते केन्द्रमंत्री चिराचरित समालोचना किसी नूतनत्व ना राज्य स्वार्थपी सरकार सबुबले बद्धपरिकर समालोचना करने अर्थ पहाड़ उपरक टेका फोपाड़ा मान ओडिशा सरकार जहाँ भी कार्य करे समालोचना करवा बिना जुक्ति रे बिना कारण रे बिना तथ्य रे एक धारावाहिक अभ्यास किसी लोक परिणत हो गला तेणु विजु जनता दल स्थित प्रज्ञ भाव निजर कार्य कर चली सरकार निज कार्य कर चली आम दल नेता ओडिशा नेता नवीन पटनायक निजर कार्य कर चली तेणु पथर उपरको आप टेका मारे मारत टेका तो तले खसी पड़ी ना पथर तो भांगी पहाड़ तो भांगी ना भांगी नहीं तेणु पहाड़ उपरको जिते पथर फिंगवा कथा फिंगत। अनुगुल पुणी लज्जा अनुगुल थाना अंचल नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या अभियोग बापा खावा नहीं जवा बेले घटी एक घटना अभियुक्त अनाम देहुरी फेरार हो जाएगी बुदामूल मृतदेह उधार कर पुलिस घटनास्थल में पहुंची एसपी एसडीपीओ और अनुगुल थाना आईआईसी तदंत आरंभ कर मेडिकल रिपोर्ट आसवा पर दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान अनुगुल एसपी मित्र भानु महापात्र जगार पड़ी जहाँ जमापड़ी बोधे गोटे जगार मर्डर कलापुर ड्राग करेकेकि कि तथापि यह अंधार जेहेतु हो जाए क्लीयरली कहीहबन इनभेस्टिगेसन पर जमापड़ जेपर्यंत आम पोस्टमर्टम करान डक्टर ओपिनियन नियाजाई से पर्यंत निर्दिष्ट भाव में किसी कह ठीक हे ना। समुद्र में बुड़ी जा तीन छात्र मृत्यु से हीपरि उद्धार दुईज छात्र को मेडिकल रे भर्ती करा जाई मृतक भुवनेश्वर येस चकिया अमित और अविनाश प्रधान बोली जमापड़ी पूरी अस्तर जहानिया पीठ से घटी एपरी अघटन पिकनिक करने को आसी भुवनेश्वर यह छात्र मैंने समुद्र को गाधवाक जाते तेज गाधोता बेले लहड़ी में पांच जन भासी जाते अग्निशम विभाग और स्थानीय लोके बहु खोजाखोजी कर दुई जनों मृतदेह मिलता बेले अन्य तीन जन को गुरुतर अवस्था अस्तरों मेडिकल भर्ती कर तेज से जनों मृत्यु हो दुई छात्र चिकित्सा चली राजधानी में चांचल्य युवती गला काटे विभत्स भाप्य हत्या करिछंती बांधवी भुवनेश्वर ग्यारेज छक निकट गौरीनगर अंचल घटी नारकीय कांड हत्यार शिकार युवती अलकानंद दास घर बालेश्वर बस्ता अंचल गिरफ अभियुक्त अनिशा मित्र घर भुवनेश्वर झारपड़ा अंचल दस वर्ष तले एनजीओ रे काम करुवा बेले अनिशा एवं अलकानंद बंधुता होता उभय एकाठी रोते कि दिन तले अलकानंद बह स्थिर होता एथपाई से घर को जवाक चाहते यानी शुक्रवार से भितर पाटितुंड शनिवार विलंबित राति में अलकानंद फोन रे कथा होता बेले अनिशा विरोध करने पाटितुंड होता घर भितर पर कटा छुरी अलकानंद गला काटी हत्या करते अनिशा अलकानंद शरीर में प्राय आठटी स्थान में गभीर आघात लगी पुलिस अभियुक्त अनिशा को गिरफ्त कर मृत युवती बह स्थिर होता बेले कहीं बांधवी को हत्या कले बांधवी ताकू तनाखना आरंभ कर पुलिस जितेबाला आम दुटा पैंचाश तीन टा भर गोटे साउंड शुणिलु झील पिलार गोटे चित्कार साउंड से आम तल फ्लोर रु ऊपर फ्लोर जाए गलु नखोली अवस्था पुलिस को भी ताकि इनफर्म करूँ आक्यूज जे मित्र सी कहला मु मारी आम दिज भितर बचसा हबारु मुझे मत मुथ मारा मुझे छुरी से आटाक कल अलकानंद दास 31 इयर्स अनिशा मित्र जी कि झारपड़े घर से मैंने लास्ट थ्री एंड हाफ इयर्स से गोटे फ्लाट रोते पुलिस पहुँचला पर देखला जे अलकानंद दास डिसीज डेड बॉडी फ्लाट्रु पाई एवं अनिशा मित्र जी कि सस्पेक्ट ए केस रे डिटेन करा जाई छी तांको मते बच्चोसा वगैरह हुए पाटुंडा अगर हो थाय नै तर एंगेजमेंट ठीक हेल नथला किंतु देखा चाहन चलथिला तर सेटा पई बाहागर पई ठीक बलांगीर जिला सैंतला ब्लॉक गंडपत्रापल्ली गाँ छक निकट रे दिन दुई पहर रे गुली बाण करी 3 लाख टंका लूट होइथिबा अभिजोग होइछि
ଦିନ 12 ବେଳେ ବିବିନା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିର ମ୍ୟାନେଜର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗୌତମ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ମାଗିଥିଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳିଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ସଇଁତଳା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ସଇଁତଳା ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। दो आदमी और पीछे से रिवॉल्वर लेके खड़ा था, एक आदमी चलाया फायरिंग किया, उसका पैर में लगा है गोली, गोली लगा नगेंद्र प्रसाद को। पैसा वैसे क्या हुआ सर? हाँ पैसा वैसा सब बैग में था, काला बैग में मेरा ले गया। वो लोग तीन आदमी था, हम लोग दो आदमी थे। कितना पैसा था सर? पैसा था 3,06,000। बीच रास्ते में एक तीन आदमी खड़े थे बाइक लगा करके, तो एक ने पहले गेड़ा चलाया, तो मेरा साथी जो गाड़ी चला रहा था उसका हाथ छूटा, हम लोग गिर गए। गिरने के बाद मैं उठा तो मेरे को दो गेड़ा मारा, उसके बाद मैं उसका गेड़ा पकड़ लिया, उसने दूसरे साथी को बोला गोली मारो गोली मारो, तब उसने गोली मारा मेरा पैर में लगा। उसके बाद हम लोग इधर उधर भागने लगे, फिर डिक्की को फोड़ करके और मेरा बैग में जो कैश था उसको लेकर के चला गया। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଜୀବନଯାତ୍ରା। କେତେକ ସହରରେ 50 ମିଟର ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳକଣା ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା, ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଓ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କୁହୁଡ଼ିର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।